सिविल एविएशन अथॉरिटी के अमले की ईमानदारी की बेहतरीन मिसाल, 20 लाख रुपए की ज्वेलरी से भरा बैग मुसाफिर को लौटा दिया। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ कराची जावेद असगर चौधरी से। जावेद बताइएगा क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, ये आयशा इजाज नामी खातून जो है अपने शोहर के साथ ऑस्ट्रेलिया बरासत दुबई जा रही थी और गैर मुल्की परवाज 609 के जरिए जाने वाली खातून मुसाफिर जो 20 साल रुपए से ज्यादा मार्केट की अपनी ज्वेलरी उसके साथ आईपैड और दीगर जो कीमती अशिया है उस पर मम्मी अपना बैग एयरलाइन के काउंटर पर भूली गई थी, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गई। जरा का ये कहना है कि इस हवाले से इजाज नामी एक मुसाफिर इजाज नामी जो सिविल अथॉरिटी का मुलाजिम है उसको ये बैग मिला, उस बैग ने इजाज नामी मुलाजिम ने ईमानदारी का मुजाहरा करते हुए ये बैग एयरपोर्ट मैनेजर इमरान खान के हवाले कर दिया। इमरान खान की जानिब से एयरलाइन के रिकॉर्ड से वो खातून मुसाफिर का नंबर दिया, नंबर के उसके जब बात हुई तो उसका ये कह रहा था कि उस बैग के हवाले बहुत परेशान थी, उनकी जानिब से दी गई हदायत के मुताबिक उनके भाई बिलाल हैं जिनको बुलाकर कराची एयरपोर्ट पर ये बैग उनके हवाले कर दिया गया और जिनकी जानिब से इस हवाले से इजाज नाम ईमानदार मुलाजिम समेत एयरपोर्ट मैनेजर इमरान खान का बहुत शुक्रिया अदा किया गया। जी ब्यूरो चीफ कराची जावेद असगर चौधरी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।